क्लास ट्वेल्थ के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं केमिस्ट्री टीचर अकबर आलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बेटा जो टॉपिक पढ़ा था वो ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और उनके उपयोग के बारे में पढ़ने का काम किया। आज का हमारा टॉपिक ओजोन का है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। देखिए, ओजोन का जो पाया जाने वाला अणुसूत्र है वो उत्तरी होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे वान मेरून। इन्होंने विद्युत मशीन के समीप एक विशेष प्रकार की गैस को सूंघने का पूर्ण रूप से कार्य किया था, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। इसके बाद 1808 में वैज्ञानिक आए क्रिंक सैंग, इन्होंने प्रमुख रूप से ऐसे ही द्रव्य को सूंघने का कार्य किया। ये जब प्रमुख रूप से ऑक्सीजन में विद्युत विसर्जन का कार्य करा रहे थे तो उन्हें इसी प्रकार की गैस होती क्वाइट स्मेल हुई, या उसको प्रमुख रूप से उन्होंने सूंघने का क्या किया, कार्य किया। फिर इसके पश्चात प्रमुख रूप से एक वैज्ञानिक आए सैन वाइन ने इस गंध वाली गैस को प्रमुख रूप से किसका नाम दिया, ओजोन का नाम दिया। ओजोन का शाब्दिक अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ। ओजोन का शाब्दिक अर्थ होता है मैं सूंघता हूँ, याद रखना। इसके बाद आता है सोरेंट नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह सिद्ध किया कि ऑक्सीजन जो है जो पाया जाने वाला ओजोन जो है वह ऑक्सीजन का एक पूर्ण रूप से पाया जाने वाला अप्रूप है। इसको विशेष तौर पर याद रखना है। देखिए, ओजोन का अणुसूत्र होता है उत्तरी। खोज करने वाला वैज्ञानिक 1785 में वान मेरून ने इसको विद्युत मशीन के समीप इस गैस को सूंघने का कार्य किया। इसके बाद 1808 में क्रिंक शैंक आए, जिन्होंने इसी प्रकार की गंध को जब ऑक्सीजन में विद्युत विसर्जन करा रहे थे तो इन्होंने इसी प्रकार की गंध को प्रमुख रूप से सूंघने का क्या किया, कार्य किया। इसके बाद आए सोन वाइन ने इस गंध वाली गैस को प्रमुख रूप से ओजोन का क्या दिया, नाम दिया। ओजोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैं सूंघता हूँ, मतलब किसी गैस को सूंघने की क्रिया। इसके बाद आया सोरेंट ने इस गैस इसको सिद्ध किया कि यह पाया जाने वाला ऑक्सीजन का एक प्रमुख रूप से अप्रूप है। चलिए आगे आते हैं, उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। सबको मालूम है बहुत अच्छे से, सिंपल सी चीज हूँ, जो पाई जाने वाली ओजोन होती है वायुमंडल में ऊपरी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या होती है, पाई जाती है, जो प्रमुख रूप से आने वाली सूर्य से आने वाली प्रावैगिक प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। पाई जाने वाली इस गैस की प्रमुख रूप से जो मात्रा होती है समुद्र तट से या प्रमुख रूप से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह गैस जो होती है वो बसने लेने का क्या करती है, कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, प्रयोगशाला विधि में ओजोन का निर्माण करना है ना, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन की नीरव मतलब केवल ऑक्सीजन उपस्थित होगी, कोई और किसी प्रकार की अन्य गैस उपस्थित रहने का कार्य नहीं करेगी। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन विधि के द्वारा एक प्रमुख रूप से पाई जाने वाली गैस को उत्पन्न किया गया, जिसको हम प्रमुख रूप से ओजोन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ओजोन का निर्माण जो होता है जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक के निर्माण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। कैसे निर्माण करोगे ओजोन का, तो ओजोन के निर्माण में हमने आपको बताया कि प्रयोगशाला में ओजोन का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन को नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा, नीरव मतलब केवल ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी, इसमें विद्युत धारा को अगर आप प्रोवाइड करते हो ओजोन की प्राप्ति हो जाएगी। ओजोन के निर्माण की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या होती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक के निर्माण का कार्य किया जाता है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर पूछा जाएगा कि भाई ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा को देने का क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से ओजोन के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कितनी ऊष्मा देते हैं भैया, 69 किलो कैलोरी की ऊर्जा जो होती है वह हम देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद ओजोन के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख रूप से विशेष प्रकार के ओजोनाइजर जो थे उनको उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के जो ओजोनाइजर है उनको उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहला ओजोनाइजर पड़ रहा है सीमेंस का ओजोनाइजर। सीमेंस नामक वैज्ञानिक ने ओजोन का निर्माण करने के लिए जिस ओजोनाइजर को उपयोग में लाने का कार्य किया उसको हम सीमेंस के ओजोनाइजर के नाम से बड़ा क्या करते हैं, जानते हैं। इस ओजोनाइजर में खासियत ये होती है कि इसमें संकेंद्री मतलब छिद्र युक्त कांच की बनी हुई प्रमुख रूप से नलियां होती हैं, जिनका एक किनारा जो होता है वह प्रमुख रूप से कैसा होता है, बंद होता है। बाहर की नली में बाहर की ओर एक टिन की पतली परत तथा भीतर की नली में भीतर की ओर से एक टिन की परत जो होती है वो लगे रहने का क्या करती है, कार्य करती है। जो ओजोनाइजर के रूप में जो टिन की परत लगा रहे ना, ये ओजोनाइजर के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। टिन के जो पत्थर है, टिन का मतलब जो पतली परत है उसका संबंध प्रेरण कुंडली से करते हैं, जिसके द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। अब इन नलियों में प्रमुख रूप से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धीरे धीरे शुष्क ऑक्सीजन गैस को हम प्रमुख रूप से भेजने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
जब शुष्क ऑक्सीजन गैस को आप टूनपुर से भेजने का कार्य करोगे तो पाए जाने वाली जहरीलिया के फलस्वरूप ओजोन गैस जरूरी बनने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली गैस में केवल 15% ऑक्सीजन होगी, बाकी शेष मात्रा में अन्य गैसें अन्य गैस के रूप में ऑक्सीजन जो है वह उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार से जो ओजोनाइजर बनता है इसको हम सीमेंस के ओजोनाइजर के रूप में क्या करते हैं जानते हैं। याद रखना सीमेंस का ओजोनाइजर एक सिंपल ओजोनाइजर है जिसमें एक पाए जाने वाली संकेंद्रीय क्षेत्र युक्त कांच की बनी हुई नलिका होगी जिसमें प्रमुख से पाए जाने वाले एक सिरा जो होगा वो बंद होगा, पाए जाने वाले बाहरी एवं अंदरी सिरे पर आप प्रमुख से टिन की परत को लगाने का कार्य करेंगे। टिन की परत जो होती है ओजोनाइजर के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इसका संबंध टिन की परत है, इसका संबंध हम प्रमुख से पाए जाने वाली एक प्रेरण कुंडली के द्वारा करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसके द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप शुष्क ऑक्सीजन इसके अंतर्गत धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं जिसके कारण प्रमुख रूप से में क्या होती है, ओजोन की प्राप्ति होती है। प्राप्त होने वाली ओजोन की जो मात्रा होती है वह 15% प्रमुख रूप से में ओजोन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये हमारे पास प्रमुख रूप से पाया जाने वाला चित्र है, चित्र के द्वारा भी हम एक बार समझने का कार्य कर लेते हैं। बात देखिए, सुनिए और समझिए। ये कांच की बनी हुई प्रमुख रूप से पाए जाने वाली संकेंद्रीय नलिका जिनके पाए जाने वाले एक सिरा जो होता है प्रमुख रूप से बंद होता है, इनके ऊपर बाहर एवं अंदर से टिन की परत जो होती है लगाने का कार्य किया जाता है। टिन की परत का संबंध हम प्रमुख रूप से किरण को रिलीज कर देते हैं जिसके द्वारा धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया जाएगा। धीरे धीरे शुष्क ऑक्सीजन को यहाँ से प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाई जाने वाली प्रमुख रूप से विद्युत विसर्जन की क्रिया के द्वारा ओजोन के निर्माण का क्या कर लिया जाएगा, कार्य कर लिया जाएगा। इस क्रिया में बनने वाली जो ओजोन गैस होगी केवल 15% प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ओजोन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। संपूर्ण जो गैस प्राप्त होगी इसमें केवल 15% ओजोन जो होती है वह उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार से पाया जाने वाला ओजोनाइजर जो होता है इसको आप प्रमुख रूप से सीमेंस के ओजोनाइजर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये ओजोनाइजर प्रमुख रूप से सीमेंस के ओजोनाइजर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बेटा हमने ओजोन स्टार्ट कर लिया और आज के टॉपिक में हमने सीमेंस के ओजोनाइजर को पढ़ने का काम कर लिया। मैं सारे बच्चों से आशा करूंगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ने का कार्य करते रहिए। और कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करिए और नए वीडियो के लिए मेरा इंतजार करिए। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।